हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान के किसान आंदोलन एवं राजस्थान के प्रजा मंडल, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के किसान आंदोलन एवं प्रजा मंडल 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपकी एग्जाम राजस्थान रिट एग्जाम दोस्तों, यहाँ पर 2021 में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर इन 70 प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर टोटल 70 प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तो देखिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियो को। ये आपका जो कॉन्सेप्ट सिलेबस है देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि राजस्थान रिट एग्जाम 25 अप्रैल 2021 राजस्थान के प्रमुख प्रजा मंडल एवं संस्थापक एवं राजस्थान के किसान आंदोलन, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये राजस्थान रिट एग्जाम का सिलेबस है जिसमें राजस्थान के किसान आंदोलन दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के प्रजा मंडल दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इस कॉन्सेप्ट में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 100% क्लियर होने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 70 प्रश्न अटेंड करने हैं आपको, और प्लीज बताना कॉमेंट बॉक्स में कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए दोस्तों। यहां पर गलत युग्म की पहचान करना है, ऑप्शन आपके सामने है जैसलमेर मीठालाल व्यास, अलवर लाधाराम व्यास, सिरोही गोकुललाल भट्ट, या फिर करौली त्रिलोकचंद्र माथुर। तो बताइएगा इनमें से गलत कौन सा है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। जी हां, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हां, अलवर अलवर से संबंधित नहीं है लाधाराम का दोस्तों यहां पर, यानी कि जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक मीठालाल व्यास, सिरोही प्रजामंडल का गोकुललाल भट्ट, या फिर करौली प्रजामंडल का त्रिलोकचंद माथुर है दोस्तों यहां पर। इनको अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों यहां पर। इसके बाद आपको कहीं भी जाकर किताब में, किसी भी किताब में दोस्तों यहां पर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत देखना दोस्तों यहां पर। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ बोल रहा हूं दोस्तों यहां पर, अगर दो बार इस वीडियो को देखोगे तो 100% आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे दोस्तों यहां पर, और बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों यहां पर आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर। डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1944 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? बोगीलाल पांडे के द्वारा, मणिकलाल वर्मा के द्वारा, या फिर प्रताप सिंह बारहाट, या फिर रामनारायण चौधरी के द्वारा। तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे अधिक एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों यहां पर प्रजा मंडलों से संबंधित दोस्तों यहां पर। डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई थी ये पूछा गया है, और इसका संस्थापक पूछा जाता है, एक सिरोही प्रजा मंडल पूछा जाता है दोस्तों यहां पर, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये दोनों ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांडा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिरोही राज्य प्रजा मंडल का संस्थापक था कौन था? कन्हैयालाल मित्तल, गोकुललाल भट्ट, या फिर मीठालाल व्यास, या फिर भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, गोकुल भाई भट्ट। जी हां दोस्तों, सिरोही प्रजा मंडल का संस्थापक गोकुल भाई भट्ट हो जाएगा दोस्तों यहां पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजा मंडल में सक्रिय नहीं था, जयपुर प्रजा मंडल से संबंधित नहीं है दोस्तों यहां पर, किस व्यक्ति का संबंध नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है, बताना है। देखिए इसका सही आंसर बता दो, रामकरण जोशी, प्रयागराज भंडारी, या फिर देवी शंकर तिवारा, या फिर दौलत मल भंडारी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, प्रयागराज भंडारी का संबंध यहां पर जयपुर प्रजा मंडल से नहीं है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहां हुआ था? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, या फिर बीकानेर में। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही है दोस्तों यहां पर, एग्जाम में आ सकता है, जयपुर में हुआ था दोस्तों यहां पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, जयपुर में हुआ था, यानी कि आजाद मोर्चा का गठन हुआ था दोस्तों यहां पर, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए यहां से जयपुर से एक मोर्चा भेजा गया था दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहां पर कौन थे, ऑप्शन आपके सामने है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, जमनालाल बजाज। जी हां दोस्तों, जमनालाल बजाज का संबंध है जयपुर प्रजा मंडल के ये अध्यक्ष थे।
और प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो को। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं वो यहाँ पर एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सभी स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीटली देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप रिट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, या फिर राजस्थान वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो दोस्तों। यहाँ पर बूंद बूंद से गढ़ा भरता है दोस्तों। यहाँ पर ये आपके पास टाइम है दोस्तों, यहाँ पर यानी कि सुनहरा अवसर है, इस सुनहरे अवसर को जाने मत दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, लक्ष्मीदास स्वामी, मेगाराम बैद, या फिर भिक्षालाल बोहरा, या फिर मुक्ति प्रसाद। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेगाराम बैद ने। जी हाँ दोस्तों, मेगाराम बैद ने यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों, सॉरी अध्यक्ष हुआ था दोस्तों यहाँ पर, और स्थापना भी की थी दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज जरूर बताइएगा कॉमेंट में कि वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज सुझाव दीजिएगा हमें, ताकि हम आपके मोटिवेशन से कुछ ना कुछ और बेहतर कर सके दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुन्नीलाल अमृतलाल का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़ा रहा? बीकानेर प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, या फिर शाहपुरा प्रजामंडल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यानी कि करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? देखिएगा दो क्वेश्चन यहां से बनकर आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम में, एक तो सन पूछा जाता है तो देखो 1938 में, एक यहाँ पर संस्थापक पूछा जाता है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, त्रिलोक चंद्र माथुर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि त्रिलोक चंद्र माथुर ने यहां पर करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी? बताइएगा दोस्तों यहां पर, बीकानेर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, या फिर झालावाड़ प्रजामंडल की। तो बताएगा कौन से प्रजामंडल की बाहर हुई थी दोस्तों यहाँ पर, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों यहाँ पर। बीकानेर प्रजामंडल मंडल की स्थापना कोलकाते में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, कलकत्ता में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो शासक था गंगा सिंह, और गंगा सिंह ये नहीं चाहता था कि यहाँ पर यानी कि बीकानेर में यहाँ पर प्रजामंडल गठित हो दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 1931, 1933, 1934, या फिर 1936 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1931 में हुई थी। जी हाँ दोस्तों 1936 में हुई थी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1936 में यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना यानी कि मेगाराम बैद के द्वारा की गई थी दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, या फिर उदयपुर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो कांगड़ा कांड हुआ था वो यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल के दौरान हुआ था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1936 में जब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि कांगड़ा कांड का गठन था दोस्तों यहाँ पर, कांगड़ा कांड जो हुआ था वो बीकानेर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता, मणिकलाल वर्मा, मोहनलाल सुकारिया, या फिर भूरेलाल। जी हाँ दोस्तों, बताना है इसका सही आंसर, बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, 55 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचा है, जी हाँ दोस्तों जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचा है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे पता चले कि किस किस स्टूडेंट ने ये वीडियो को कंप्लीटली देखा है दोस्तों यहां पर, और रेगुलर कौन कौन स्टूडेंट है जो कि रेगुलर हमारे वीडियो को देखते हैं दोस्तों यहां पर, यानी कि आपकी तैयारी यहां से, इस प्लेटफॉर्म से, आपके अपने यूट्यूब चैनल से दोस्तों बहुत बेहतर होने जा रही है दोस्तों यहां पर। सभी 16,000 प्रश्न एग्जाम से पहले आपके पास होंगे दोस्तों यहां पर, यानी कि सभी 16,000 प्रश्न राजस्थान रेट एग्जाम का प्रश्न बैंक दोस्तों यहां पर, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में बना हुआ है दोस्तों यहां पर, वो सभी
सभी प्रश्न बहुत जल्द इसी तरह से आपके पास होंगे दोस्तों यहाँ पर। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे लिंक दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। 16,000 प्रश्न वहां पे भी कराए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको समझा के एक एक क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं अटेंड। तो इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था बताएगा, मोतीलाल तेजावत, राम नारायण चौधरी, नैनूराम शर्मा या फिर अभिनव भारती। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नैनूराम शर्मा। जी हाँ दोस्तों, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी नैनूराम शर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, मेघाराम बैद, मीठालाल व्यास, नैनूराम शर्मा। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, नैनूराम शर्मा, जी हाँ दोस्तों, जो कि कोटा प्रजामंडल के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी, मेवाड़, मारवाड़, अलवर या फिर सीकर में। तो सबसे पहले कृषक आंदोलन कहां पर प्रारंभ हुए थे, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेवाड़ में हुए थे दोस्तों यहां पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, मेवाड़ में हुए थे, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे, धाकड़ जाति के, भील जाति के, मेव जाति के या फिर मनसा जाति के। तो सबसे अधिक जो जाति थी दोस्तों यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन में, वो धाकड़ जाति के किसान थे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। और सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों यहां पर आपकी एग्जाम में। देखिएगा, बीगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, नींबू चना किसान आंदोलन, ये सभी किसान आंदोलन के संस्थापक, मेन व्यक्ति और सन, और किस कारण ये आंदोलन गठित हुए थे दोस्तों यहां पर, इसके कारण ये पूछे जाते हैं बस, और डीपली नहीं पूछा जाता है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे कौन थे, अशोक परमार, राम नारायण चौधरी, रूपाजी बाकड़ या फिर सागरमल गोपा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक परमार, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अशोक परमार। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन आपके सामने पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये प्रश्न, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि साधु सीताराम दास। जी हां दोस्तों, साधु सीताराम दास 1913 में 13 का नेतृत्व किया था दोस्तों यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे कौन थे, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, मणिकलाल वर्मा, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि विजय सिंह पथिक, इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहां पर, डटे रहिएगा दोस्तों यहां पर अपने प्लेटफॉर्म पर, ये आपके लिए वीडियो है दोस्तों यहां पर, आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने का हमने जो संकल्प लिया है दोस्तों यहां पर, यानी कि सभी 16,000 प्रश्न किसी भी कीमत पर दोस्तों यहां पर आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे एक दिन में 3 से 4 वीडियो अपलोड क्यों ना करना पड़े दोस्तों यहां पर, हम करेंगे दोस्तों यहां पर, लेकिन आपका साथ चाहिए, बस आपका साथ चाहिए दोस्तों यहां पर, यानी कि आपको मंजिल दिलाने के लिए हम पूरी भूमिका निभाएंगे दोस्तों यहां पर। और प्लीज एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइएगा दोस्तों यहां पर, कवर करते जाइएगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था, कब लिया था दोस्तों यहां पर, 1915 में, 1916 में, 1917 में या फिर 1918 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1917 में। जी हाँ दोस्तों, 1917 में यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक जुड़े थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, रामनारायण चौधरी, अकबर खान, शक्तिदान ठाकुर या फिर ताराचंद। कौन जुड़ा हुआ व्यक्ति था दोस्तों यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध रखने वाला व्यक्ति कौन था, ऑप्शन आपके सामने है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि रामनारायण चौधरी। जी हां दोस्तों, रामनारायण चौधरी का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा सबसे लंबा किसान आंदोलन चला था? ऑप्शन आपके सामने है, बिजोलिया किसान आंदोलन, बीगू किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, सबसे लंबा राजस्थान का किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों यहां पर ये चला था, ये 44 वर्षों तक चला था दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, नींबू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजस्थान के किस रियासत से संबंधित था? अलवर रियासत से, भरतपुर रियासत से, या फिर मेवाड़ रियासत से, या फिर जयपुर रियासत से? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नींबू चना किसान आंदोलन अलवर प्रजामंडल से था दोस्तों यहाँ पर, सॉरी अलवर रियासत थे, अलवर रियासत से इसका संबंध था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विजय सिंह पते का मूल नाम क्या था? बताइएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, रामदास, मूल शंकर, भूप सिंह, या फिर नरेंद्रनाथ। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा भूप सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भूप सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1897 में, 1687 में, 1878 में, या फिर 1867 में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो 1897 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और 1941 को ये समाप्त हुआ था दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट करना दोस्तों यहां पर, एक एक प्रश्न को अच्छे से रटना, ताकि ये प्रश्न आपके सब कॉन्शियस माइंड में रिपीट हो जाए दोस्तों यहां पर, फीड हो जाए हमेशा के लिए। और इस प्रश्नों से मेरे को पूरा विश्वास है दोस्तों यहां पर, आप आपकी आपकी एग्जाम को क्रैक करोगे दोस्तों यहां पर। 16 लाख स्टूडेंट है दोस्तों यहां पर रिट की एग्जाम में, 16 लाख स्टूडेंटों में कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन इतना हाई नहीं है दोस्तों यहां पर। आप सोच रहे होंगे कि 16 लाख स्टूडेंटों में ही कंपटीशन है, नहीं दोस्तों यहां पर, यानी कि 16 लाख में से केवल और केवल जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो मात्र 5 लाख स्टूडेंट है जो रेगुलर पढ़ते हैं दोस्तों यहां पर, और 5 लाख में से 3 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें यहां पर अच्छा कंपटीशन है, यानी कि ऑनलाइन क्लास लेते हैं दोस्तों यहां पर और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर, आपको आपको यहां पर इन 5 लाख स्टूडेंटों से आगे निकलना है दोस्तों यहां पर। अगर आप 5 लाख स्टूडेंटों से आगे निकल गए तो दोस्तों आपका बिल्कुल श्योर सिलेक्शन है दोस्तों यहां पर, बिल्कुल विश्वास के साथ बोल रहा हूं दोस्तों यहां पर हमेशा। देखिएगा दोस्तों यहां पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, यानी कि वर्ष 1921 में किसानों का स्वर विरोधी आंदोलन किस वर्ष चला था दोस्तों यहां पर, कोटा में, सॉरी किस राज्य में चला था? बताइएगा दोस्तों यहां पर, कोटा में, अलवर में, जयपुर में, या फिर अजमेर में चला था? तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, यानी कि 1921 में स्वर विरोधी आंदोलन जो चला था वो यहां पर अलवर रियासत में चला था दोस्तों यहां पर, किसानों के द्वारा चलाया गया था 1921 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 40 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों यहां पर, डटे रहिएगा, यानी कि इस कॉन्सेप्ट में आपके प्रजामंडल कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों यहां पर, किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रूपा जी कृपा जी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ऑप्शन आपके सामने है, बीगू किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से, या फिर बीकानेर किसान आंदोलन से? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बीगू किसान आंदोलन से था दोस्तों यहां पर, यानी कि रूपा जी और कृपा जी धाकड़ का। दोस्तों यहां पर जिस तरह से बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था तो उसी समय यहां पर यानी कि इसका प्रारंभ हो चुका था दोस्तों यहां पर, यानी कि बीगू किसान आंदोलन का प्रारंभ कर दिया था, किसने किया था? यानी कि रूपा जी और कृपा जी धाकड़ के द्वारा इस आंदोलन को रूपरेखा दी गई थी दोस्तों यहां पर। वही आपको पता है जो मेवाड़ में जो कृषक आंदोलन वो हुए थे, वो क्यों हुए थे? वो लाग बाग बेकार प्रथा के कारण हुए थे दोस्तों यहां पर। किसानों पर सबसे अधिक यहां पर कर लिया जाता था दोस्तों यहां पर, मेवाड़ में 84 प्रकार के यहां पर कर लिए जाते थे दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिए। तो बताइएगा दोस्तों यहां पर, गलत की पहचान करना है आपको, कृषक आंदोलन नेता। देखिएगा दोस्तों यहां पर, यहां पे तो कृषक आंदोलन दे रखा है और यहां पर नेता दे रखा है दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा इनमें से कौन सा यहां पर पहचानना है गलत है। देखिएगा बीकानेर, बीकानेर जो किसान आंदोलन से है वो देखिएगा नरोत्तम लाल जोशी,
बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, बूंदी किसान आंदोलन नेनूराम शर्मा, बीगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गलत ऑप्शन है तो ए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि बीकानेर में नरोत्तम लाल जोशी का संबंध नहीं था दोस्तों, यहाँ पर ये गलत है। बिजोलिया का विजय सिंह पथिक से रहा है, बूंदी का नेनूराम शर्मा से रहा है, और यहाँ पर बीगू किसान आंदोलन का राम नारायण चौधरी का रहा है। और राम नारायण चौधरी ऐसा व्यक्ति है जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय रहा था मेन रूप से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था, बताएगा बीगू किसान आंदोलन से, एकी किसान आंदोलन से, सीकर किसान आंदोलन से, या फिर मारवाड़ किसान आंदोलन से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर एक ही किसान आंदोलन से था इसका संबंध। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, सागवाड़ा से, या फिर मातुकुंडिया से। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मातुकुंडिया से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गोविंद गुरु, माणिकलाल वर्मा, सुरजी भगत, या फिर मोतीलाल तेजावत। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोविंद गुरु के द्वारा यहाँ पर भगत पंथ की स्थापना की गई थी दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहाँ पर, उसका आंसर आपको देना है कॉमेंट बॉक्स में, कैसा भी क्वेश्चन आए दोस्तों यहाँ पर प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर देना उस प्रश्न का आंसर, ताकि पता तो चले कि कितने स्टूडेंट हैं हमारे, जो यूट्यूब टेलीग्राम से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो यहां पर कितनी तैयारी है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है, बताइएगा इसका सही आंसर, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, जोधपुर में, या फिर बीकानेर में। तो मानगढ़ धाम कहां पर स्थित है ये आपको बताना है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर बता दीजिएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, या फिर जोधपुर, या फिर बीकानेर में। तो ध्यान रखना ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित था, गोविंद गुरु का संबंध किस जिले से था, बताइएगा डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, प्रतापगढ़ से, या फिर राजसमंद से। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर डूंगरपुर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका संबंध डूंगरपुर जिले से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहां पर 33 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों यहां पर, बोर मत होइएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि आपके अंदर एक ऊर्जा समाहित कीजिएगा दोस्तों यहां पर, और बिल्कुल ऐसा सोचो दोस्तों कि आपकी जो मंजिल है वो आपका इंतजार कर रही है दोस्तों यहां पर बिल्कुल, और उस मंजिल पर यहां पर आपको कदम रखना है दोस्तों यहां पर, यानी कि 25 अप्रैल वो दिन, जी हां दोस्तों, जहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है दोस्तों यहां पर आपके जीवन का दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालीबाई भील निवासी थी, कहाँ की थी, खेरवाड़ा की, कल्याणपुरी की, राजसापाल का, राजसापाल की, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं की थी। तो ध्यान रखना दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कालीबाई भील का जो संबंध था वो राजसापाल से था, राजसापाल से था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये शहीद हो गई थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गोलीबारी में, क्योंकि यहाँ पर नानक जी और यहाँ पर सेंगा जी, और सेंगा जी यहाँ पर इसके टीचर थे दोस्तों यहाँ पर, तो उनको बचाने के लिए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसको राजस्थान के इतिहास में जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या तो कालीबाई नाम पूछ लिया जाता है, या राजसापाल घटना पूछ ली जाती है कहाँ की है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे, बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे, बताइएगा जयपुर के, डूंगरपुर के, बांसवाड़ा के, या फिर उदयपुर के। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा, बागड़ के गांधी डूंगरपुर के रहने वाले थे, भोगीलाल पांड्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था, किस परिवार में हुआ था, पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में, या फिर जमींदार परिवार में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि समाज सुधारक, यानी कि गोविंद गुरु का जो जन्म हुआ था वो यहां पर बंजारा परिवार में हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी था, हरिदेव जोशी, माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पांडा, या फिर मोतीलाल तेजावत।
तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांडा। जी हाँ दोस्तों देखिएगा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1944 में भोगीलाल पांडा के द्वारा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी आरपीएससी एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में दोस्तों यहाँ पर पिछले आप कहीं भी पेपर उठा के देख लो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रजामंडल से जुड़े हुए प्रश्न है ये सभी पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर। और आपका जो प्रश्न बैंक बना हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में दोस्तों यहाँ पर यही प्रश्न बैंक बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर यही प्रश्न है जो अब तक हमने आपको बताए। और जो 16,000 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर अगर ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना दोस्तों यहाँ पर तो बाकी में आपके एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था पटवार 2016 में पूछा गया है आरपीएससी में पूछा गया है दोस्तों यहां पर। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 29 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों यहां पर यानी कि 29 प्रश्नों को अटेंड और कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर। जब आप इन सारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों यहां पर तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिएगा दोस्तों यहां पर दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं दोस्तों यहां पर। देखिएगा किताब में पढ़ने से आपको बहुत टाइम लगता है दोस्तों यहाँ पर लेकिन जो चीज गूगल फिल्टर के माध्यम से आपके पास पहुंचाई जा रही है दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो एक्चुअल में जो प्रश्न आने की संभावना जताई जा रही है यानी कि यहाँ पर 80 से 90% तो उनको पढ़िएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि काफी हद तक मदद मिलेगी दोस्तों यहाँ पर उन प्रश्नों से। वैसे तो आप बहुत प्रश्न देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर गूगल पर हजारों लाखों प्रश्न पड़े हुए हैं लेकिन उसमें टाइम वेस्ट मत करो दोस्तों यहाँ पर जो एक्चुअल में जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले टाइम बहुत कम है आपके लिए दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा स्थापना किसने की संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ऑप्शन आपके सामने है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी। जी हाँ दोस्तों गोविंद गिरी ने यहां पर संप सभा की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा यानी कि भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था बताइएगा दोस्तों यहां पर 1908 में 1910 में 1913 में 1917 में कब हुआ था ये जनसंहार तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1913 में हुआ था दोस्तों यहां पर 1913 में जनसंहार हुआ था दोस्तों यहां पर बांसवाड़ा मानगढ़ धाम पर दोस्तों यहां पर मानगढ़ स्थान पर हुआ था दोस्तों यहां पर। तो इसी ने गांधी जी ने यहां पर इसको जलियावाला हत्याकांड की सॉरी जलियावाला हत्याकांड की संज्ञा इसको नहीं दी है लेकिन ये हुआ था दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना इसको संज्ञा दी है गांधी जी ने कुछ संज्ञा दी थी दोस्तों यहाँ पर इसको तो मेरे ध्यान नहीं आ रहा मैं आपको क्लियर बता दूंगा कभी और क्वेश्चन आएगा इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यानी कि टैच कमीशन का संबंध था टैच कमीशन का संबंध किससे था बताइएगा दोस्तों यहाँ पर अलवर किसान आंदोलन से मेव किसान आंदोलन से जाट किसान आंदोलन से या फिर बीगू किसान आंदोलन से तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीगू किसान आंदोलन से था इसका सही आंसर हो जाएगा बीगो किसान आंदोलन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से चबरी कर की प्रकृति थी चबरी कर कैसा था निर्यात कर था आयात कर था पुत्री के विवाह पर कर था या फिर कृषि उत्पाद कर था तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर। जी हाँ दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक सांस ले लेता हूं मैं यहां पर जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर मात्र 10 सेकंड का थोड़ा सा रेस्ट 10 सेकंड का रेस्ट ले लेता हूं बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर यानी कि तलवार बंधाई शुल्क था तलवार बंधाई शुल्क क्या था सैनिक सेवा शुल्क धार्मिक शुल्क उत्तराधिकारी शुल्क या फिर युवराज के व्यवहार पर सामंतों से लिया जाने वाला कर कौन सा कर था दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तराधिकारी शुल्क हो जाएगा दोस्तों यहां पर तलवार बंधाई कर। तो ये किसने लगाया था दोस्तों यहां पर वो भी प्रश्न आ जाएगा दोस्तों यहां पर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? किशोरी देवी, कस्तूरी देवी, काली देवी या फिर कल्याणी देवी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि किशोरी देवी। किशोरी देवी ने यानी कि शेखावाटी की 10,000 महिलाओं को एकत्रित करके यानी कि महिलाओं का आंदोलन चलाया गया था दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, किस वर्ष नीबू चना अलवर दुखद घटना घटित हुई थी? 1925 में, 1926 में, 1927 में या फिर 1924 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 में। जी हां दोस्तों, यानी कि गांधी जी ने इसको यहां पर, इस घटना को दोस्तों यहां पर, दुखद घटना को यहां पर यानी कि जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी है दोस्तों यहां पर, इस घटना को, 1925 की घटना को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेनूराम का संबंध किस आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, जोधपुर किसान आंदोलन से या फिर बीगू किसान आंदोलन से? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन से था दोस्तों यहां पर नेनूराम का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, त्रिलोक चंद माथुर या फिर भोगीलाल पांड्या के द्वारा? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जी हां इसका सही आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया स्थान निम्न में से किस जिले में स्थित है? बिजोलिया किसान निम्न में से किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है, बूंदी में है, भीलवाड़ा में या फिर कोटा में? तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ये भीलवाड़ा में हो जाएगा दोस्तों यहां पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने किस वर्ष किस संस्थान की स्थापना की थी? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, संस्था का नाम क्या था? संप सभा, भील राज्य सभा या फिर जनजाति सभा या फिर डूंगरपुर सभा? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संप सभा, जी हाँ दोस्तों संप सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध किस आंदोलन से है? नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध यानी कि अलवर किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से या फिर बीगू किसान आंदोलन से? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि नानी जी और ठाकरी पटेल का है यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन से, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकारों के कर और बेकार प्रथा थी? यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 45, 87, 66 या फिर 84 प्रकार के कर? तो बिल्कुल सही है दोस्तों यहां पर, 84 प्रकार के कर, जी हां दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेवाड़ में, बिजोलिया में 84 प्रकार के कर लिए जाते थे दोस्तों यहां पर राजा महाराजा और यहां पर ठिकानेदारों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि थी कौन सी थी? बताना है आपको 1897 में से 1950 तक, 1897 से 1945 तक, 1897 से 1944 तक, 1897 से 1941 तक? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1897 से और 1941 के बीच चला था दोस्तों यहां पर, तीन चरणों में कंप्लीट हुआ था दोस्तों यहां पर और 1941 को यह संपन्न हुआ था दोस्तों यहां पर, बहुत बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, तलवार बंधाई का तलवार बंधाई कर लगाया था किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह प्रथम ने, कृष्ण सिंह, अमर सिंह द्वितीय ने या फिर पृथ्वी सिंह द्वितीय ने? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी सिंह प्रथम ने यहां पर तलवार बंधाई कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? विजय सिंह पथिक ने, नानजी पटेल ने, मणिकलाल वर्मा ने या फिर मदन मोहन मालवीय ने? तो बिल्कुल सही है दोस्तों यहां पर, विजय सिंह पथिक ने यहां पर यानी 1916 में यानी कि किसान पंचायत का आयोजन किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि प्रताप, जी हां दोस्तों प्रताप समाचार पत्र ने यहां पर इस आंदोलन को पूरे भारत में प्रसिद्ध
बनाया था। किसान पंचायत को मजबूत बनाने के लिए किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? 1930 में, 1915 में, या फिर 1922 में, या फिर 1931 में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1922 में, यानी कि यहाँ पर मेवाड़, पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? यानी कि मोतीलाल तेजावत से, मणिकलाल वर्मा से, या फिर विजय सिंह पथिक से, या फिर साधु सीताराम दास से? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत से है दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। ऊपर माल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी 1915 में, 1916 में, 1918 में, या फिर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1915, 1916, 1917, या फिर 1918? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1917 में, जी हाँ दोस्तों 1917 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ पर मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है वो कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में, बांसवाड़ा में, अलवर में, या फिर बीकानेर में? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पूछा था कि ये कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका, चलो हम बता देते हैं इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा व्यक्ति बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध नहीं है? छगन लाल, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास, मणिकलाल वर्मा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा छगन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था? यानी कि ठक्कर बाप्पा, या फिर मोतीलाल तेजावत, या फिर गोविंद गिरी, या फिर विजय सिंह पथिक? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गोविंद गिरी इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? 1913 में, 1977 में, 1930 में, 1931 में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये 1913 में हुआ था। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान रिट एग्जाम 2011 में इससे संबंधित क्वेश्चन आप पूछा गया था, 2012 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में किसान आंदोलन से दूसरा प्रश्न पूछा था दोस्तों यहां पर जो सम्मिलित है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन क्यों पूछा था, कारण क्या था दोस्तों, आपकी जो एग्जाम लगी थी 2012 में रिट की, उस समय यहां पर इसको, यानी कि जो मानगढ़ धाम नरसंहार को, यानी कि पूरे 100 वर्ष कंप्लीट हुए थे, तो इसीलिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने यह प्रश्न आपकी एग्जाम में डाला था दोस्तों यहां पर, यानी कि किसी ना किसी रूप से उस प्रश्न को डालते हैं विभाग, जो एक्चुअल में अभी रिलेटेड में कोई बड़ा अपडेट हुआ है दोस्तों यहां पर उस प्रश्न से संबंधित। तो इन प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्न अगर बड़ा अपडेट होते हैं तो उनको छोड़ना नहीं है, सबको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में किसान आंदोलन का पितामह कहा जाता है? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, गुरु गोविंद गिरी, या फिर साधु सीताराम दास को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक को कहा जाता है दोस्तों यहां पर, राजस्थान में किसान आंदोलन का पितामह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नींबू चना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? बताइएगा, नींबू चना जो कांड हुआ था उस समय अलवर का शासक कौन था? महाराजा बने सिंह, महाराजा तेज सिंह, महाराजा विनय सिंह, या फिर महाराजा जय सिंह? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महाराजा जय सिंह। और महाराजा जय सिंह ने दोस्तों यहां पर इस जो आंदोलन चल रहा था तो उस समय ये बातें मानी थी दोस्तों यहां पर, यानी कि कुछ महीनों बाद, आंदोलन के कुछ महीनों बाद ये उनकी बातें मानी थी दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? नवीनतम प्रजामंडल आप जानते हैं, लेकिन राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन था? झालावाड़ प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल, या फिर जैसलमेर प्रजामंडल, या फिर प्रतापगढ़ प्रजामंडल? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, झालावाड़ प्रजामंडल सबसे अंतिम प्रजामंडल था।
मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी बताइएगा, 1930 में, 1932 में, 1934 में या फिर 1932 में, तो 35 में सॉरी। तो देखिए मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी दोस्तों यहाँ पर यानी कि 1934 में जय नारायण व्यास के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, 1938 में, 1942 में, 1936 में या फिर 1933 में, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना जो की गई थी वो 1938 में की गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिएगा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी बताइएगा, 1945 में, 1942 में, 1939 में या फिर 1938 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 में। यहाँ पर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मिठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, मिठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। एक पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना यानी कि मेघाराम बैद के द्वारा की गई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी दोस्तों यहाँ पर। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना चुन्नीलाल और अमृतलाल के द्वारा की गई थी दोस्तों यहाँ पर। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी दोस्तों यहाँ पर। ये सभी आपको याद रख लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना दो बार की गई थी, देखिएगा जयपुर प्रजामंडल की दो बार की गई थी, एक बार कपूरचंद पाटिल ने की गई थी दोस्तों यहाँ पर 34 में, दूसरी बार जमनालाल बजाज ने की गई थी दोस्तों यहाँ पर, जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रजामंडल से जुड़े और किसान आंदोलन से जुड़े जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि किसान आंदोलन एक है बिजोलिया किसान आंदोलन, बीगू किसान आंदोलन, एक है यहाँ पर अपना अलवर का किसान आंदोलन दोस्तों, यहाँ पर अलवर में दो किसान आंदोलन हुए थे, तो ये पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर मातुकुंडिया रश्मि में जो किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों यहाँ पर, वो पूछा जाता है, उसका नाम क्या था अभी बताया था मैंने आपको, चलो मैं बाद में डिस्कस और करेंगे दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में, अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन और निकाल के लाऊंगा दोस्तों यहाँ पर जब लास्ट में, जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना तब आपके लिए अगर टाइम बचा तो दोस्तों यहाँ पर इन्हीं प्रश्नों में से और यहाँ पर यानी कि पूरा छान के निचोड़ के दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से यानी कि 16,000 प्रश्न मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद 16,000 प्रश्नों में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न 100% चांस बन रहे हैं, तो लगभग 1,000-2,000 क्वेश्चन और लाऊंगा दोस्तों यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों का निचोड़ निकाल के दोस्तों आपके लिए। तो अगला जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर, अगला जो वीडियो का जो कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान में 1857 की क्रांति होगा दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली। उसके बाद होगा राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होगा दोस्तों यहाँ पर, इस तरह से राजस्थान का इतिहास कंप्लीट करेंगे दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद राजस्थान की राज व्यवस्था, उसके बाद इंडियन जीके की तरफ चलेंगे दोस्तों यहां पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहां पर सभी को वीडियो देखने के लिए, एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर आपके अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों यहां पर, और एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर जो स्टूडेंट नहीं है, और जिन स्टूडेंटों ने पुराने वीडियो नहीं देखे है वो देख लीजिएगा दोस्तों यहां पर, उसकी लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है दोस्तों यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ये वीडियो देखने के लिए।